हेलो गाइस, वेलकम बैक विद फ्रेश न्यू वीडियोस। और मैं आज हूँ आप लोगों का फिर स्वागत अपने नए चैनल संजय फिटनेस ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, मतलब COVID-19 पॉजिटिव था मैं, और मैं बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा था उस टाइम। सो उस टाइम मुझे ना जनरली क्या था, मेरी इम्यून सिस्टम जो वीक हो रही थी, तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ फ्रूट्स थे जो मैं प्रतिदिन मीन्स डेली ले रहा था अपने डाइट में। इवन यू हैव टू ऑल्सो टेक डैट फ्रूट्स इन योर डाइट्स। एंड जनरली क्या करते हैं कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है तो इट्स द मोस्ट इसेंशियल विटामिन इज विटामिन सी। सो यू हैव टू ऐड विटामिन सी इन योर डाइट्स एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स हैं, क्योंकि विटामिन सी जनरली क्या होता है ना कि उसमें कुछ एथेनॉइड्स, पॉलीफेनॉइड्स एंड विटामिन सी, जो कि जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि जनरली क्या करते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली लोग बोलते, सारे डॉक्टर्स बोलते, सभी लोग बोल रहे कि भाई विटामिन सी लो, ऑरेंज खाओ, ग्रेप्स खाओ, इस टाइम लेमन्स लो, मतलब नींबू लो, आंवला खाओ, क्यों? पर लोग ये नहीं बताएंगे कि क्यों खाना चाहिए, जनरली क्यों खाना चाहिए। तो मैं आज लोग को यही बताने जा रहा हूँ आज कि क्यों खाना चाहिए और क्या फ़ायदे उसके। एक्चुअली क्या होता है कि जो इसमें हमारे जो ये जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है जनरली कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है ना बॉडी की, वो क्या करते हैं, जब हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में WBC जो का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। मीन्स WBC बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल का इंक्रीमेंट होगा। वाइट ब्लड सेल का इंक्रीमेंट होगा मीन्स आपका जाहिर सी बात है जो इंजाइम्स होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे आपके बॉडी में जो डेवलप कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए जनरली WBC बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी जो कि साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, आपको लेना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सो जो मैं अपने डाइट में जनरली सुबह उठता था तो मैं एक गिलास गर्म पानी में या फिर नॉर्मली एक नींबू ले लेता था, पहला साइट्रस फ्रूट ये हो जाता था। डाइट में फिर एक दो घंटे बाद मैं ग्रेप्स वगैरह ले लेता था या फिर ऑरेंज ले लेता था। और सबसे मोस्ट इसेंशियल जो है कि इसमें था, मैं आंवला नहीं छोड़ा, मैंने आंवला ज़रूर आपको लेना है, जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। अप्रॉक्स एक ऑरेंज से में जो विटामिन सी पाई जाती है 10 से 30 मीन्स 10 to 30 टाइम्स मोर देन आंवला में पाया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आंवला की भी, हाँ विटामिन सी अगर जिसको बॉडी में जो उसको वीकनेस थोड़ी सी और हो रही है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। जैसे फीवर ज़्यादा होने लगता है तो जाहिर सी बात है हमारे प्लेटलेट्स कम, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए मैं कीवी का यूज़ कर रहा था। सो कुछ 5 फ्रूट्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए इस टाइम, जिससे आपके इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी और आपको जनरली बैक्टीरिया से या फिर इनसे वायरस वगैरह से लड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो जल पहले लेना है आपको ऑरेंज, लेमन, कीवी, आंवला एंड ग्रेप्स। ये 5 फ्रूट्स हो गए जो आपको अपने बॉडी अपने डाइट में रोज ऐड करना है और प्रतिदिन। मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल लाता रहूँगा। और जैसे मैंने अभी मैं आपको, हाँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि मैंने कौन कौन से एक्सरसाइज किए हैं कोरोना के टाइम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम, हंसते रहो, मुस्कुराते अपने घर का अपना परिवार का ख्याल रखते रहो। लव यू।